गौरव की डायरी के इन पलटते हुए पन्नों में एक बड़ी मजेदार कहानी आप सुनेंगे, किशोर कुमार और सत्यजीत रे की जिंदगी से जुड़ी। ये ले एक रुपया और 9-2-11 हो जा। इतनी मार खाने का सिर्फ एक रुपया। अरे अरे अरे, जान भी मारी और अपना 1.5 रुपया भी गमा। महान गायक किशोर कुमार पर अक्सर ये इल्जाम लगता कि वो लड़का है, कंजूस है, जरा मक्खी चूस है। लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना। पर किशोर दा ने अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें की हैं जिन्हें सुनने के बाद ये इल्जाम सरासर गलत लगता है। अपनी लाज तुमरे हाथ, हे भगवान जगन्नाथ। हिंदुस्तान के महानतम फिल्म मेकर सत्यजीत रे जब अपनी पहली फिल्म बनाने जा रहे थे और उनके पास पैसों की खासी कमी थी, उस दौर में किशोर कुमार ने 5,000 रुपए की मदद की थी। कैसी रही? हालांकि फिल्म पथेर पंचाली के बन जाने के बाद सत्यजीत रे साहब ने कुछ वक्त लिया और 5,000 रुपए लौटा दिए, पर किशोर दा कभी भी ये मौका नहीं चूकते थे सत्यजीत रे को याद दिलाने का कि 5,000 रुपए मैंने दिए थे। बात यहां तक भी रही कि सत्यजीत रे के लिए जब भी किशोर दा ने गाने गाए तो उसका एक भी पैसा नहीं लिया। सत्यजीत रे जिन्हें हम प्यार से माणिक दा कहते हैं और किशोर कुमार जिन्हें हम किशोर दा कहते हैं, इनकी जिंदगी की ये अनोखी दास्तां आपने सुनी। ऐसी और भी बड़ी अनोखी कहानियां गौरव की डायरी के इन पलटते हुए पन्नों में आपके पास आएंगी सिर्फ अल्फा पर।